इसराइल हमास युद्ध जारी है, क्या इस युद्ध में इसराइल अलग थलग पड़ गया है? क्या इसराइल को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी? क्या ये युद्ध और ज्यादा विकराल होने जा रहा है? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि गाजा की अल अहली अस्पताल में जो धमाका होता है जिसमें 500 लोग मारे जाते हैं, उसके बाद अरब देशों ने एक सुर में इसराइल की निंदा की है, और जो जॉर्डन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचते हैं, वहां पर वो बड़ी बातें करते हैं। पहली ये कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, दूसरी बड़ी बात ये कि जो हमास है वो फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि हिजबुल्ला एक आतंकी संगठन है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी का नतीजा है कि अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि इसराइल ने किस तरीके से लेबनान में धमाके किए हैं, मिसाइल वहां पर लॉन्च की गई है। दरअसल इसराइल जो कि इस वक्त अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे जख्म हमास ने दिए हैं जिसकी इसराइल ने कल्पना नहीं की थी। और जो मुस्लिम देश है, जिसमें अगर हम ईरान की बात करें जो इसराइल के खिलाफ है, हमास का साथ दे रहा है, वो मुस्लिम देशों से आह्वान कर रहा है कि वो इसराइल के साथ खड़े हों। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार मुस्लिम देशों के पास है। कई सारे विकसित देश तेल के लिए मुस्लिम देशों पर निर्भर है। ऐसे में जब युद्ध चलता है तो फिर प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर नए प्रतिबंध लगाएगा, और अगर तमाम मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हैं, जो ईरान लगातार कोशिश कर रहा है, तो फिर इसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम देश जो इसराइल का साथ दे रहे हैं उसके भी खिलाफ हो सकते हैं, जैसा कि अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्डन जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके लिए बड़ा झटका था। जो बैठक जॉर्डन में होने वाली थी उसमें मिस्र, इसके अलावा फिलिस्तीन, ईरान, सऊदी अरब के नेता शामिल होने वाले थे, और एक तरीके से कि शांति वहां पर कायम की जा सके और जो गाजा में आम लोग हैं उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए उसको लेकर के रूपरेखा तैयार होने वाली थी। लग रहा था कि शायद कोई सार्थक पहल हो और कुछ नतीजे निकल करके सामने आए, लेकिन उसको एक बड़ा झटका लगा है। उससे पहले अल अहली अस्पताल में जो हमला होता है जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, वो लोग जिन्होंने गाजा में अस्पताल में शरण ली हुई थी, अमेरिका ने कल ये साफ कर दिया कि जो अल अहली अस्पताल में हमला हुआ है उसके पीछे गाजा का आतंकी संगठन है, यानी कि इसराइल नहीं है। अब इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं, इसराइल कह रहे हैं हमने नहीं किया, हमास कह रहा है हमने नहीं किया, लेकिन किसने किया है ये बाद में पता चलेगा, पर स्थिति और ज्यादा विकराल हो गई है, क्योंकि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो इसराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अगर मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाते हैं तो फिर अमेरिका के खिलाफ भी लगाएंगे, और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसे में ये जंग और ज्यादा भीषण होगी और इसके परिणाम और ज्यादा खतरनाक होंगे।